क्या होता है पितृदोष, कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, कुंडली में पितृदोष हो तो क्या करें। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आपने बहुत से ज्योतिषियों के मुख से ये सुना होगा कि फलां व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है। अब ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आखिर ये पितृदोष होता क्या है और ये बनता कैसे है। आज के इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह कुंडली में कई तरह के शुभ योग होते हैं, कई तरह के राजयोग होते हैं, उसी तरह कुंडली में कई अशुभ योग भी होते हैं, कई दोष भी होते हैं, जिनमें पितृदोष भी शामिल है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब जन्म कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें या दसवें भाव में सूर्य का राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो या सूर्य का शनि के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, यानी सूर्य की राहु के साथ या सूर्य की शनि के साथ युति हो रही हो, तो इसे पितृदोष माना जाता है। और सूर्य यदि तुला राशि में नीच के होकर राहु या शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हो, फिर इस पितृदोष का जो अशुभ प्रभाव है वो और भी बढ़ जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और जिस भी भाव में इन ग्रहों की युति हो रही होती है, इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, उस भाव से संबंधित कष्ट जो है उस व्यक्ति को भोगना पड़ते हैं। इसके अलावा यदि लग्नेश छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो और लग्न में राहु हो तो भी पितृदोष बनता है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कुंडली में पितृदोष तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि में कोई दो ग्रह एक ही घर में, एक ही भाव में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि की, राहु की या केतु की दृष्टि पड़ रही हो या फिर इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में पितृऋण या पितृदोष की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के संसारिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति में भी कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बता दूं कि ज्योतिष में और पुराणों में पितृदोष के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना तय है कि हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से ये जुड़ा हुआ दोष है और जब तक इस दोष का निवारण नहीं किया जाता ये दोष खत्म नहीं होता है। यदि पिता की कुंडली में ये दोष पाया जाता है और उन्होंने पितृदोष का निवारण नहीं करवाया है, शांति नहीं करवाई है, तो संतान की कुंडली में भी अमूमन ये दोष देखा जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैसे लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है कि कुंडली में पितृदोष है, उसके कौन से लक्षण उभर करके सामने आते हैं और फिर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो मैं उन लक्षणों के बारे में बता दूं कि अगर सुबह उठने के बाद अचानक घर में कलह क्लेश होने लगता है, विवाह की बात अक्सर बनते बनते सिरे चढ़ते चढ़ते बिगड़ जाती है, मांगलिक कार्यों में विघ्न आने लगते हैं, अक्सर घर की दीवारों में दरारें आने लगती हैं, दाम्पत्य जीवन में क्लेश होने लगता है, बार बार चोट लगती है या व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार होने लगता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके परिवार के सदस्य अक्सर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उस व्यक्ति को मानसिक परेशानी लगी रहती है, वह कंफर्टेबल नहीं रहता, उसका परिवार के साथ संतुलन नहीं बैठ पाता, व्यक्ति डिसीजन मेकर नहीं होता, निर्णय नहीं ले पाता, निर्णय लेने के मामलों में वह दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, दूसरों की सलाह लेने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास बहुत कम होने लगता है, परीक्षाओं और साक्षात्कार में वो मेहनत के बाद भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता, नौकरी में सीनियर ऑफिसर्स की नाराजगी उसे झेलना पड़ती है, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है, गर्भपात की समस्या झेलनी पड़ती है या गर्भधारण में समस्या आती है, बात बात पर क्रोध आने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा कम होने लगती है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता यानी कंसंट्रेशन नहीं बनती, एकाग्रता नहीं आती, रोजगार में दिक्कत आने लगती है, संतान कष्ट होता है, तो ये पितृदोष की वजह से होता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो फिर ज्योतिष में उसे दूर करने के उपाय भी हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शास्त्रों और ज्योतिष में उन उपायों का जिक्र किया गया है, लेकिन जरूरत है पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ इन उपायों को किया जाए।
मैं ये उपाय बताना चाहूंगा कि पितर दोष खत्म करने के लिए हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम पर दवा, वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार और शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, जल का अर्पण करें और उस पीपल की 7 परिक्रमाएं करें। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें गुड़, लाल फूल और रोली आदि डालकर के उसका अर्पण करना शुरू करें। माता पिता और माता पिता के समकक्ष जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं माता पिता समान, उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। पितर दोष मुक्ति के लिए अपने कुल देवता और इष्ट देवता की सदैव पूजा करते रहें। किसी गरीब कन्या की शादी में बढ़ चढ़ कर मदद करें और कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी सहायता करें, तो इससे पितर दोष काफी हद तक कम होने लगता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।